Search Ye Khila De on YouTube. Subscribe to our channel and hit the bell icon for notifications. Enjoy. ये हमारा टेस्टी हलवा पराठा रेडी हो गया है और ये मुझे सर्व हो रहा है और ये मुझे खाना है। मुझे तो टेस्ट के साथ अब कैलोरीज भी दिखाई दे रही है क्योंकि मैंने इसे बनते हुए देख लिया है। ये भगवान कपड़े फिट करा देना बस ये सब खिलवा के। तो चलो अब हम देखते हैं ये कैसे बनता है, ये कहाँ मिलता है। और आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड से ट्यून ये खिला दे। हे गाइस, वेलकम टू न्यू व्लॉग, वेलकम टू ये खिला दे। और आज हम आपको फिर लेके आए हैं एक नई जगह पे एक नया चीज़ दिखाने के लिए। तो अभी एग्जैक्टली अगर आप टाइम देखोगे तो बज रहा है 5:01, अरे 5:01 हो रहे हैं अभी। बट अब थोड़ा लेट कह लो या काफ़ी जल्दी कह लो, हम आए थे यहाँ पे हज़रत निज़ामुद्दीन की दरगाह पे यहाँ का स्पेशल हलवा पराठा कवर करने के लिए। और हलवा यहाँ पे इतना बड़ा होता है, ठीक है, सॉरी मिस्टेक होगी, प्लस हलवा देते हैं इसमें साथ में ये। और मराठा जो होता है बहुत 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 ज़्यादा घी के साथ होता है, बहुत हैवी होता है। और जो स्पेशली ये रमज़ान के लिए ये जो है, ये जो शॉप है ये 24 घंटे यहाँ पे खुली रहती है। बट हम जो है हर बार के हम पहले भी कवर करना चाहते थे ये एक दो बार, लेकिन हम वो कभी जल्दी कभी लेट, लेकिन आज हमने डिसाइड किया कि आज हम रुक के जाएंगे। तो जब तक पराठे ख़त्म नहीं होते हैं तभी नया बनाना स्टार्ट करते हैं। तो अभी हलवा बन रहा है, हलवा दिखाएंगे आपको और फिर हम आपको, हाँ क्योंकि एक ही गैस है तो इसमें पराठा बनता है इसी में हलवा बनता है, इसलिए टाइम लगेगा। तो जब तक ये बिकेगा तब तक हम वेट करते हैं। तब तक हमारे पास टाइम पास करने के लिए है कोक, नो प्रमोशंस, और हम यही कवर करेंगे। अब चलो आपको दिखाएंगे, मीट यू 1 आवर लेटर। सो टाइम हो गया 5:23 एंड अभी पराठा तो नहीं बन रहा है बट हलवा बनना शुरू हो चुका है हमारा। और ये सूजी गर्म हो रही है, सूजी गर्म हो रही है और लेट्स सी जितनी देर वेट कर रहे हैं हम, तो बस जल्दी जल्दी बने और पराठा बने फिर। और हलवे को लगातार चलाते रहना पड़ता है ताकि इसमें लम्स ना बने। देख रहे हो कि इसमें अब इसमें पानी डाल रहे हैं और हाँ सूजी चीनी का पानी डाल रहे हैं, चाशनी बोल सकते हैं, चाशनी डाल रही है अब। और हलवा हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है और खुशबू इसमें बहुत ही बढ़िया आ रही है। और अब ये धीरे धीरे पकता रहेगा एंड ये हो गया हमारा हलवा रेडी टू सर्व। तो अभी देखो कितना भारी होती है कढ़ाई कि इसको दो लोग उठा के ले जाते हैं, इतना सारा होता है। और इसको ये अभी परात में सर्व कर रहे हैं और अब इसको सजाएंगे भी, अभी आपको दिखाते हैं हम। और देखो कितना सारा हलवा है यार, भूखी लग रही है इसको देख के भी। और ये हलवा हमारा बन चुका है और अब ये सजना शुरू हो गया है। और मैं इसका नाम भूल गई, ये पता नहीं क्या डाल रहे हैं, आई एम सो सॉरी, बट कुछ अच्छा ही डाल रहे हैं। और ये तो मुझे पता है ये टूटी फ्रूटी है, आपने आइसक्रीम खाई होगी टूटी फ्रूटी, उसमें ये खाते थे बहुत टेस्टी है। तो ये ग्रीन कलर की टूटी फ्रूटी डाल रहे हैं और ये चेरी भी डाली है इन्होंने। और अब आ गई रेड कलर की टूटी फ्रूटी, स्वीट बंस में भी आपने खाए होंगे बीच बीच में होते हैं, ये देखने में इतना टेम्पटिंग लग रहा है कि खाने का बस मन कर जाता है देखते ही, आप समझ जाओ क्या बोला। अच्छा हाँ, अब हमारा ये डो रेडी हो रहा है पराठे के लिए, ये मैदे का डो है। और ये भैया ने चकले पे तेल लगा दिया जिससे पराठा चिपके ना। और अब आप देखना भैया को बेलन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो ऐसे ही पराठे को कितना बड़ा कर देंगे। और धीरे धीरे पराठा बड़ा होगा, आप देख सकते हैं 6:01 हो गया, हम 5 बजे आए थे और 6 बज गए, 1 घंटा जैसे हमने बताया था हमने वेट करा है। बाय द टाइम हमने हलवा भी दिखा दिया और अब ये पराठा बड़ा हो जा रहा है और बड़ा और बड़ा। और अब भैया इस पर छेद करेंगे जिससे ये पराठा फूले ना, क्योंकि अगर छेद नहीं करेंगे तो तेल में जाते ही
ये पराठा फूल जाएगा, पूरी बन जाएगा बेसिकली, और अब ये गर्मा गर्म रिफाइंड ऑयल में जाएगा। आई वंडर ये तेल इतना गर्म है कि ये जाते ही बिल्कुल पक जाता है, तो आई होप ये अंदर से भी उतना ही पके जितना बाहर से दिख रहा है कि पका है। कितना बड़ा है, क्या बात है, कितना गर्म होगा तेल। दूर है ना, ऐसा दूर रखो कैमरे को। हाँ अच्छा, कितना गर्म होगा ये और कितनी जल्दी फूल आए ये। ओ भाई साहब, अच्छा ये होता एक पराठा कितने किलो का होता है? ये एक पराठा होता है ये 2 किलो में पड़ता है, हलवा पराठा मिला के दोनों। अच्छा अगर पूरा एक पराठा और हलवा मिलाएंगे तो 2 किलो का पड़ेगा पूरा भाई साहब। और ये एक पराठा कितने का होता है? 700 ग्राम का एक पराठा, 700 ग्राम का एक पराठा, ऑलमोस्ट 1 किलो का एक पराठा है ये। तो गाइस ये था हमारा पराठा और हलवा, इसको खाते हैं। ये पूरा मैदा से होता है जो पराठा होता है, बहुत बढ़िया है ये, अमेजिंग, और बहुत मज़ा आया खा के। हमें बहुत शूट किया यहाँ पे और बहुत मज़े आए। आप यहाँ पे आओ हज़रत निज़ामुद्दीन की दरगाह पे और यहाँ पे ये खाओ हलवा पराठा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उसको लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हाँ घंटी बजा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। भैया मैं बोल दो, आप लाइक सब्सक्राइब, लाइक कर दो सब्सक्राइब कर दो। ये खिला दे ये खिला दे ये खिला दे।